हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल स्टडीज जूटिया मोडोमियो में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान में किसान एवं जनजाति आंदोलन, और उसके अंतर्गत हम बिजोलिया और बेगू के जो किसान आंदोलन थे मेवाड़ रियासत के अंदर, वो हम पढ़ चुके थे। अब मेवाड़ के ही खालसा क्षेत्र में जो किसान आंदोलन हुआ था उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये जो आंदोलन था, पहली बात तो ये भी बिजोलिया किसान आंदोलन से ही प्रेरित होकर हुआ था। तो एक कारण अपन जब इसका लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि ये बिजोलिया के किसानों से प्रेरित हुए। हुआ कब था ये? तो 1921 में ये आंदोलन शुरू हुआ था, और ये जाट किसानों द्वारा, जो खालसा क्षेत्र के जाट किसान थे, उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया। और अपनी जो जाट किसानों की जाति पंचायतें थी, तो पहले जाति पंचायतें तो क्या करती थी, सिर्फ जो सामाजिक उनके मामले थे उन्हीं में हस्तक्षेप करती थी। मतलब जो सामाजिक नियम, रीति रिवाज, परंपरा, इनके विरुद्ध अगर कोई आदमी जाता था तो उसको क्या कर देते थे, समाज से बहिष्कृत कर देते थे। तो सामाजिक तक ही सीमित थी। लेकिन जब पथिक जी वगैरह ये बिजोलिया में आए तो इनसे आसपास के किसान भी प्रभावित हुए। तो उन्होंने इस जाति पंचायत को आर्थिक मामलों में भी शामिल करने का निर्णय लिया, और इन्हें उत्साहित किया कि आप आर्थिक मामलों के लिए भी लड़िए। तो जाति पंचायत जो थी उसके अंडर में ये हुआ था, जाट किसानों ने शुरू किया था। और अब इसके कारण देख लेते हैं। तो जो इसके होने के कारण है वो तो बाकी जैसे ही है। जब अपन ने ये स्टार्ट किया था राजस्थान में किसान एवं जनजाति आंदोलन, तो मैंने इसके कारण का वीडियो बनाया था पहला ही। तो उसमें बताया था कि लाग बाग, बेगार, भू राजस्व का ज्यादा होना वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इसके कारण थी। तो इसके जो मेनली कारण, लेकिन हर जगह के अलग कारण होंगे थोड़े बहुत, कौन कौन सी लाग है वो अलग होगी, और कौन कौन सी जो बेगार की प्रकार भी थी ना वो भी अलग अलग थी। कई बेगार गाड़ियों से करवाते थे, कई लोगों को बुला के मकानों में बेगार का काम करवाते थे, तो अलग अलग। तो वो स्पेसिफिक जो कारण है वो अपन इसको थोड़ा जब आगे पढ़ेंगे तब अपने आप देख लेंगे। लेकिन इसके प्रेरित होने के क्या कारण थे, क्यों प्रेरित हुआ? तो प्रेरित होने का पहला कारण तो मैं इसके स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि बिजोलिया के जो किसान थे उनसे ये प्रेरित हुए कि अगर बिजोलिया वाले अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं। तो बिजोलिया के किसानों द्वारा प्रेरित हुए, किसानों से प्रेरित होकर। तो बिजोलिया के किसानों ने क्या किया था, जब 1903 में उन पर चमरी कर लगा दिया गया था, तब उन्होंने बिजोलिया में खेती नहीं की थी और आसपास में चले गए थे, ग्वालियर, बूंदी, कोटा, तो कुछ खालसा क्षेत्र में भी गए। इसी तरह 1913-14 में भी जब अपने तलवार बंधाई उन पर लाग लगा दी थी, तब भी उन्होंने 13-14 में भी वहां खेती नहीं की थी। तो कृष्ण सिंह के टाइम भी नहीं की थी और पृथ्वी सिंह के टाइम भी नहीं की थी, दोनों टाइम। तो दोनों टाइम वो, तो दूसरे वक्त जब 1913-14 में, तो काफी किसान खालसा क्षेत्र में गए थे, उदयपुर के खालसा क्षेत्र में। तो जब वो खालसा क्षेत्र में गए यहाँ पे, तो खालसा वाले जो पहले से वहां किसान थे उन्होंने क्या देखा कि भाई ये यहाँ क्यों आए, तो इन्होंने वहां पे आंदोलन किया है बिजोलिया में, इसलिए उनका विरोध करने के लिए वहां इन्होंने खेती नहीं की और यहाँ आ गए। तो विरोध करने का क्या कारण है, तो कि ऐसी ऐसी लाग लगा दी है, तलवार बंधाई, पहले चौरी कर लगाया था 1903 में, तो इसलिए हमने तब भी बाहर जाके खेती की और अब भी बाहर कर रहे हैं, वहां पे हम खेती नहीं करेंगे। तो जब इनको अधिकारों के लिए लड़ते हुए देखा कि ये तो बाहर आके खेती कर रहे हैं, उस ठिकाने में खेती नहीं कर रहे, तो हमारे खालसा क्षेत्र में भी क्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लाग बाग है, अधिकारी परेशान करते हैं राज्य की, तो हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। और ये तो मैं बता ही चुका हूं कि खालसा क्या होता था, एक तो जागीर होती थी और एक खालसा, खालसा जमीन जो थी वो राज्य के सीधे अंडर में होती थी, उससे राज्य अपने अधिकारियों के द्वारा भू राजस्व वगैरह इकट्ठा करवाता था, जबकि जागीर एक ठिकानेदार, एक सामंत के अधीन आती थी, वो सामंत सारा भू राजस्व इकट्ठा करके आगे देता था। तो पहला तो कारण ये था कि जब 1903 में एक तो, और एक 1913-14 में जब किसानों ने वहां कृष्ण सिंह के टाइम और पृथ्वी सिंह के टाइम यहाँ चौरी कर लगा था, यहाँ तलवार बंधा, ये हम बिजोलिया में देख चुके के समय जब वो खालसा क्षेत्र में खेती करने गए थे, वहां बिजोलिया में खेती ना करके, तब उनसे खालसा के किसान प्रभावित हुए। तो ये कारण था पहला। तो अब दूसरा कारण देख लेते हैं। तो दूसरा कारण ये था कि जो पथिक जी थे उनका एक संगठन संगठन था, राजस्थान सेवा संघ। तो उस संगठन ने बिजोलिया को के आंदोलन को गति देने के लिए उसके आसपास के क्षेत्रों में भी ऐसे आंदोलन शुरू करवाने की कोशिश की। तो उस कोशिश के कारण भी यहां आंदोलन शुरू हुआ। तो पथिक जी के राजस्थान सेवा संघ के प्रयासों से,
राजस्थान सेवा संघ के प्रयासों से। और एक बात और थी, जब पथिक जी 1920 में नागपुर अधिवेशन में गए थे, 1920 में मैंने बताया था कि नागपुर अधिवेशन में वो गए थे, तब उन्होंने उनके साथ कुछ किसान भी गए थे, तो खालसा क्षेत्र के भी कुछ किसान गए थे। तो उन्होंने जब कांग्रेसी नेताओं को देखा तो उनसे प्रेरित हुए कि कांग्रेसी नेता ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध ऐसा आंदोलन कर रहे हैं, तो हमें भी अत्याचार हो रहे हैं उनके विरुद्ध आंदोलन करने चाहिए। तो नागपुर अधिवेशन में एक तो वो कांग्रेसी नेताओं से प्रेरित हुए जो उनके साथ गए थे, कुछ किसान उनके साथ गए थे, और दूसरा जो इनके साथ किसान आए थे उनमें से कुछ किसानों के द्वारा और पथिक जी के निर्देशन में एक प्रदर्शनी लगाई गई कि भाई किसानों की दुर्दशा और जमींदार का अत्याचार, इसके बारे में एक प्रदर्शनी लगाई गई। तो उस प्रदर्शनी को खालसा क्षेत्र के किसानों ने भी देखा, तो वो प्रदर्शनी पथिक जी के निर्देशन में लगी थी, उन्होंने बताया था कि ऐसी ऐसी प्रदर्शनी लगाओ। तो इनके साथ कुछ गए थे जैसे कालू जी, गोकुल जी, तो इन किसानों ने ऐसी प्रदर्शनी वहां पे लगाई थी, एक नंदराम जी भी थे साथ में, इनके द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई। मतलब उस प्रदर्शनी में इन्होंने भूमिकाएं निभाई कि कैसे कैसे हमारे पे अत्याचार होते हैं दिखाया, कोई एक जागीरदार बना और एक कोई किसान बना। तो खालसा के किसान भी इन कालू जी, गोकुल जी और नंदराम जी की वो प्रदर्शनी देख रहे थे, पथिक जी द्वारा लगवाई गई थी, तो उससे प्रेरित हुए। अब तीसरी बात थी, एक संगठन और था, राजपूताना मध्य भारत संघ। तो ये जो संगठन था ये दिल्ली में जब अधिवेशन हुआ था 1918 में तब बना था, राजपूताना मध्य भारत संघ कब बना था, ये 1918 में बना था दिल्ली अधिवेशन के बाद। कांग्रेस का जब दिल्ली अधिवेशन हुआ था ना, तो उस दिल्ली अधिवेशन खत्म हुआ तब वहां जो लोग गए थे पथिक जी वगैरह ये, तो इन्होंने भी अलग से एक बैठक की और ऐसा एक संगठन बनाया। मारवाड़ी पुस्तकालय था चांदनी चौक में, वहां पे इन्होंने बैठक करके ये संघ बनाया। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जमनालाल बजाज। और उपाध्यक्ष थे गणेश शंकर विद्यार्थी, जिनका वो कानपुर से प्रताप अखबार निकलता था। तो अध्यक्ष कौन थे, जमनालाल बजाज। तो ये राजपूताना मध्य भारत संघ था, ये भी क्या चाहता था, बिजोलिया में किसानों की संख्या बढ़ाना चाहता था, उसको गति देना चाहता था, इसलिए कि आसपास के किसान भी आंदोलन करें। तो एक तो राजस्थान सेवा संघ और एक राजपूताना मध्य भारत संघ, इसके सदस्य भी थे ये पथिक जी, ये भी साथ में थे जब ये संगठन बना था तब। तो इन दोनों संगठनों के प्रयासों से भी ये प्रेरित हुए खालसा क्षेत्र के जो किसान थे। और अगली चीज थी जो 1920-21 में, दिसंबर 1920 में निर्णय लिया गया था असहयोग आंदोलन का, और 21 में स्टार्ट हो गया था ये पूरी तरह से। तो 1920-21 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था स्टार्ट, कहां पे, ब्रिटिश भारत में। यहां रियासत मतलब ठिकानों में तो होता ही रहता था असहयोग करना, कि ठिकाने को सहयोग नहीं करना, बॉयकॉट करना, वो नहीं, असहयोग आंदोलन जो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ उससे भी ये लोग प्रेरित हुए, उससे भी क्या हुआ, ये लोग प्रेरित हुए। और 1917 में रूस की क्रांति हुई, उसकी खबरें जब सुनी इन नेताओं के द्वारा, ये नेता इनको प्रेरित करते थे, अपने जो भाषण थे उसमें रूस की क्रांति का जिक्र करते थे, तो उससे भी खालसा क्षेत्र के किसान प्रेरित हुए। साथ में वर्ल्ड वॉर की खबरें आ गई, तो उससे भी इनकी प्रेरणा थोड़ी सी बढ़ी कि वर्ल्ड वॉर में, कि ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेज बिल्कुल हारेंगे नहीं, अंग्रेज भी किसी न किसी से तो डरते ही, ये उन्हें पता लगा, तो वर्ल्ड वॉर है। तो इन सब चीजों के एक साथ जो मिलके जो प्रभाव होता है, उस प्रभाव के कारण ये आंदोलन शुरू हुआ। इतनी सारी चीजों का जब प्रभाव किसानों पर हुआ तो उनके दिमाग में भी कि भाई हमें भी कुछ करना चाहिए, जैसे थम्सअप पीने के बाद लगता है वैसे ही इनको लगा इन खबरों को सुनने के बाद। तो अब अपन देखेंगे कि इनकी शुरुआत कैसे होती है इस आंदोलन की। तो अप्रैल 1921 में अलग अलग जो खालसा क्षेत्र थे उससे सैकड़ों जाट किसान जो होते हैं वो एकत्र होके उदयपुर जाते हैं अपनी मांगे रखने के लिए, अप्रैल 1921 में।
अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग खालसा क्षेत्रों की जाट किसान। कहां जाते हैं? उदयपुर। अपना मेमोरेंडम पेश करने के लिए, अपनी जो मांगे होती है वो एक मांग पत्र के थ्रू देने के लिए, तो एक मांग पत्र पेश करने जाते हैं जो किससे संबंधित होता है, यही लाग बाग वगैरह, भू राजस्व कम करो, और उनकी मांगे उसमें लिख रखी होती है। और जो राज्य के अधिकारी होते हैं उनको चेतावनी देते हैं, ये जो रियासत के अधिकारी जो होते हैं उनको क्या चेतावनी देते हैं, जो इनका प्रतिनिधि मंडल होता है, इनके जो कोई तो प्रतिनिधि बना रखे होते हैं, वो उनको चेतावनी देते हैं कि अगर हमारे को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, इसका कोई सॉल्यूशन हल कोई नहीं होता है, तब तक हम खेतों को नहीं जोतेंगे। तो क्या चेतावनी देके आ जाते हैं कि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो हम खेत नहीं जोतेंगे। और इसी तरह मई ये अप्रैल में ये शुरू होती है कि अलग अलग क्षेत्रों से, खालसा क्षेत्र जो होते हैं वहां से जाट किसानों का प्रतिनिधि मंडल जाने शुरू होते हैं, और ये मई 1921 तक चलता रहता है यही, कि अलग अलग क्षेत्रों के लोग जाते रहते हैं और उनको बोलते हैं इसका कोई हल किया जाए। तो इससे क्या होता है कि अप्रैल से मई के एंड तक प्रतिनिधि मंडल जाते रहते हैं वहां पे, तो इससे एक तो संगठित होने लगते हैं लोग क्योंकि ज्यादा शिकायतें आती है, दूसरी उनकी जो समस्याएं होती है वो आगे बढ़ने लगती है, मतलब दूसरे लोगों को भी उनकी समस्याओं का पता लगने लगता है, आगे प्रसार होता है समस्याओं का, जानकारी होती है। समस्याओं का प्रसार मतलब समस्याएं नहीं बढ़ती, समस्याओं की जानकारी का आगे प्रसार होता है कि ये समस्याएं उस खालसा क्षेत्र में, तो दूसरे खालसा क्षेत्र के लोग भी इससे प्रेरित होते हैं। तो अप्रैल 1921 में प्रतिनिधि मंडल जाना शुरू होते हैं, कहां पे? उदयपुर। और राज्य के अधिकारियों को चेतावनी देते हैं कि अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो हम खेतों को नहीं जोतेंगे। और ये सिलसिला कब तक चलता रहता? मई 1921 तक। फिर उसके बाद दिसंबर 1921 में एक बैठक, एक सम्मेलन, एक मीटिंग होती है, उसको अपन किसान सम्मेलन की तरह बोल सकते हैं, ये पांडोली गांव में होती है। तो दिसंबर 1921 में पांडोली गांव, कौन सा गांव है? पांडोली गांव में, पांडोली गांव में एक सम्मेलन होता है जिसको अपन बोल सकते हैं प्रथम किसान सम्मेलन। किसका? खालसा क्षेत्र के किसानों का प्रथम किसान सम्मेलन। तो ये फर्स्ट किसान सम्मेलन था खालसा क्षेत्र के किसानों का। कौन से खालसा क्षेत्र के? मेवाड़ के। क्यों इसको किसान सम्मेलन का नाम क्यों दिया? क्योंकि ये एक तो जो जाति पंचायत थी जाटों की, जाट जाति की जो पंचायत थी, उसके पंचों द्वारा प्लस राजस्थान सेवा संघ और तीसरा जो संगठन मैंने पहले बताया था राजपुताना मध्य भारत संघ, इन तीनों ने मिलकर इस मीटिंग को आयोजित किया था, इसलिए इसको फर्स्ट किसान सम्मेलन की संज्ञा भी दी जाती है। और इसमें क्या निर्णय लिया जाता है कि जब तक, मतलब यहां भी अपन बिजोलिया में जैसे चल रहा है ना आंदोलन, संगठित होकर नहीं लड़ेंगे ना तब तक हमें कोई हल नहीं मिलेगा रियासत की तरफ से। तो पहले ये किया जाए कि अपने अपने क्षेत्र में सारे ही लोग जो यहां है वो अपने अपने क्षेत्र में जो बिजोलिया में किसान आंदोलन हुआ उसी की तर्ज पर इस आंदोलन को फैलाएंगे, या एक तरह से बोल सकते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन को ही अपने अपने क्षेत्रों में फैलाएंगे, क्योंकि उस तरह का आंदोलन होगा तो अपने आप वो बिजोलिया जैसा ही हो जाएगा। तो निर्णय क्या लिया गया कि बिजोलिया जैसा जो किसान आंदोलन है वो सभी यहां जो लोग आए हैं, जो प्रतिनिधि आए हैं, अपने अपने क्षेत्रों में बिजोलिया किसान आंदोलन की तरह एक आंदोलन की शुरुआत करेंगे और इसको अपने अपने क्षेत्रों में फैलाएंगे। तो ये निर्णय वहां पे लिया गया। ये तो हुआ था दिसंबर 1921 में पांडोली गांव में फर्स्ट किसान सम्मेलन। और दूसरा एक निर्णय और लिया गया कि अगली बार कब मिलेंगे, मतलब जब कोई दो आदमी मिलते हैं तो ये लास्ट में ये बात करके जाते हैं ना कि भाई अगली बार कब मिलेंगे, वैसे ही इन्होंने क्या तय किया कि अगली बार हम मातृकुंडिया का जो मेला होगा, जो मातृकुंडिया जगह है उसको अपन राजस्थान का हरिद्वार भी बोलते हैं, तो वहां जो मेला लगता था साल में एक बार, वहां खूब किसान इकट्ठे होते थे, तो कि मातृकुंडिया के मेले में, पहला निर्णय तो था
आंदोलन को अपने अपने क्षेत्र में फैलाना, कौन से आंदोलन को, बिजोलिया जैसे आंदोलन को, और दूसरा निर्णय था अगला सम्मेलन मातृकुंडिया मेले में होगा, अगला सम्मेलन मातृकुंडिया मेले में। तो फिर मातृकुंडिया मेला आ जाता है मई 1922 में। तो पहला पांडोली गांव में, दूसरा मातृकुंडिया में। तो मई 1922 में मातृकुंडिया मेला लगता है और वहां पे हजारों किसान इकट्ठे होते हैं और सेकंड किसान सम्मेलन होता है खालसा क्षेत्र के किसानों का। और वहां पे भी, अब यहां पे अपने को पता चलेगा कि इनके आंदोलन प्रारंभ करने के क्या कारण थे या इनकी क्या एक तरह से मांगे थी, वो यहां पता चलेगी अपने को। तो पहला तो यहां क्या निर्णय लिया गया कि जो भी उच्च भू राजस्व है और लागबाग जो अन्यथा लगाई जा रही है वो है, और जो बैठ बेगार है इनका विरोध करना है। दूसरा निर्णय कि जो प्रत्येक गांव से, सॉरी मतलब प्रत्येक जिले से, गांव तो छोटा हो जाएगा, प्रत्येक जिले से मतलब पांच पंच जो होंगे, पंच वैसे भी जब पंच बोलते हैं ना दिमाग में अपने पांच ही आता है, तो पांच पंच क्या करेंगे, महाराणा से मिलेंगे और अपनी समस्याएं बताएंगे। और तीसरा एक निर्णय और लिया गया कि एक मतलब पत्र या फिर सर्कुलर बना के भेजा जाएगा, एक तरह से मतलब बोल सकते हैं अपन कि निर्देश, एक निर्देश का एक पत्र बना के, निर्देश पत्र बनाकर भेजा जाएगा, जिसके अनुसार मतलब गांव की जो पंचायतें हैं वो क्या करेगी, उसमें ये लिखा होगा कि गांव के जो लोग हैं वो भू राजस्व नहीं देंगे और जब तक अपनी मांगे नहीं मान ली जाती, अगर कोई देता है इसके विरोध में तो उसको क्या कर दिया जाएगा, 12 वर्ष के लिए समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो क्या क्या निर्णय होते हैं इसमें वो देख लेते हैं। तो पहला तो निर्णय ये होता है कि उच्च भू राजस्व, ये तो नॉर्मल है सभी में, लागबाग का विरोध करना, लागबाग और प्लस बैठ बेगार का विरोध, बैठ बेगार का विरोध करेंगे। और दूसरा निर्णय क्या होता है, प्रत्येक जिले से मतलब प्रत्येक जिला मतलब परगना बोल सकते हैं उस वक्त का, वहां से पांच किसान, तो प्रत्येक परगने से पांच पंच किसके पास जाएंगे, महाराणा के पास, महाराणा से मिलने जाएंगे, महाराणा को अप्रोच करेंगे और अपनी समस्याएं बताएंगे, ठीक है। और तीसरा, तीसरा कि एक सर्कुलर बनाया जाएगा, एक निर्देश पत्र बनाया जाएगा और वो सभी गांव की पंचायतों को भेजा जाएगा और उसमें क्या लिखा होगा, तो एक सर्कुलर बनाया जाएगा जो कहां भेजा जाएगा, प्रत्येक पंचायत को, जो खालसा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, प्रत्येक पंचायत को भेजा जाएगा, वो जो जाति पंचायत है उसको, प्रत्येक जाति पंचायत को, प्रत्येक गांव की प्रत्येक जाति पंचायत को भेजा जाएगा और उसमें क्या लिखा होगा कि जब तक अपनी मांगे नहीं मानी जाती तब तक भू राजस्व नहीं देना है, जब तक मांगे न माने तब तक भू राजस्व नहीं देना है। तो ये बात उसमें लिखी होगी। तो तीन चीजें ये तय होगी। अब उसमें एक चीज और बोली गई थी कि जो इसके विरोध में, ये इसके साथ ही अपन मान सकते हैं कि अगर इसके विरोध में आके कोई किसान भू राजस्व देगा पंचायत के विरुद्ध जाके, जाति पंचायत के विरुद्ध, तो उसको 12 वर्ष के लिए बाहर कर दिया जाएगा, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, ये बात भी इसके साथ लिखी ताकि कोई किसान इनके आंदोलन के विरुद्ध न जाए। और साथ में उनकी एक मांग ये थी कि क्यों हम ये सब बोल रहे हैं, क्या चाहिए हमें, हमारी मांगे क्या है, मतलब रियासत से। तो उन्होंने बोला कि जो भूमि बंदोबस्त हुआ था वो 1880 के दशक में हुआ था, 1880 के दशक में एक भूमि बंदोबस्त हुआ था जो विंगेट नामक अधिकारी ने किया था,
विंगेट द्वारा किया गया भूमि बंदोबस्त वो बहुत पुराना हो चुका है, क्योंकि उसने उसमें लिखा था कि ये 20 वर्ष के लिए रहेगा, तो 20 वर्ष मतलब 1900 तक, लेकिन अब तो क्या आ गया 1922 आ गया, मतलब 22 साल ऊपर बीत चुके हैं, तो ये तो गलत बात है। तो भूमि बंदोबस्त जो हुआ था वो 20 वर्षों तक के लिए हुआ था, तो अब वो उसको एक्सपायर हुए काफी साल हो चुके हैं, फिर भी नया भूमि बंदोबस्त नहीं किया गया, इसलिए हमें क्या चाहिए, नया भूमि बंदोबस्त चाहिए और उसके अनुसार भू राजस्व लेना चाहिए। तो विंगेट द्वारा किया गया भू बंदोबस्त क्या हो गया है, पुराना हो गया है, एक्सपायर हो गया है, क्योंकि वो 20 वर्ष के लिए था। तो अब हमें क्या चाहिए, नया भूमि बंदोबस्त। तो उनको क्या चाहिए था, नया भू बंदोबस्त। दूसरी मांग, मांग तो पहली तो ये होगी, और दूसरी मांग क्या थी उनकी, ये तो भू राजस्व से संबंधित होगी कि जो भू राजस्व है वो नए भूमि बंदोबस्त करके उसके बाद लेना चाहिए उसके अनुसार। दूसरी मांग ये थी कि जो उनसे सेस या उपकर जो अलग से लाग ली जा रही थी किसके लिए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए, तो उसको किस पे खर्च करना चाहिए, एक तो उसको थोड़ा कम करो और जो मिल रही है लाग उनको उसको किसके उपयोग में ले, स्कूल बनाने के, हॉस्पिटल बनाने के, और जो अपना राज्य था या रियासत थी वो ऐसा कुछ कर नहीं रहे थे, सिर्फ लाग ले रहे थे, मतलब उपकर ले रहे थे लेकिन उसको कोई काम नहीं ले रहे थे। तो दूसरी क्या थी कि शिक्षा और स्वास्थ्य वाली, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का जो उपकर था या कर था जो उसके लिए लिया जा रहा था, जो लाग ली जा रही थी उसको किसके उपयोग में ले, या उपकर या कर बोल सकते हैं, उसको स्कूल बनाने के और अस्पताल बनाने के उपयोग में ले और उसे थोड़ा कम करे, उससे अस्पताल बनाए। तो दूसरी मांग उनकी ये थी। और तीसरी मेन मांग जो थी वो ये थी कि जो मवेशी है, क्योंकि किसानों की मांगे ऐसी होगी, बाकी ऐसे तो उनकी खूब बैठ बेगार वगैरह ये सब मांगे सम्मिलित थी, लेकिन प्रमुख प्रमुख तो तीसरी मांग थी कि जो चराई, पशुओं की चराई पर जो लाग लगती है और जो पशुओं को बेचने पर लगती है, जो जैसे सिंगोटी लाग लगती थी तो वो सींग वाले पशु या मवेशियों के बेचने पर लगती थी ना, तो पशुओं के बेचने पर लगने वाली लाग और दूसरी पशुओं की चराई पर, की चराई पर लगने वाली लाग क्या हो, खत्म हो। ये इनकी मुख्य मुख्य क्या थी, मांगे थी इन किसानों की, जो मातृकुंडिया मेले में जो सेकंड किसान सम्मेलन हुआ उसमें। अब जो ये आंदोलन है वो इतनी, मतलब इतना ज्यादा प्रसिद्ध क्यों नहीं हुआ, या फिर बिजोलिया जितना, या फिर ऊंचाइयों को क्यों नहीं छू सका, तो इसका कारण एक तो सामने ही दिख रहा है जो थी इसकी सांगठनिक कमजोरी, क्योंकि ये किसके थ्रू चल रहा था, जाति पंचायत के थ्रू, और उदयपुर के जो खालसा क्षेत्र थे तो अलग अलग खालसा क्षेत्र में अलग अलग जातियां रहती थी और एक ही खाल एक ही गांव में चार पांच जातियां रहती थी, तो उनकी जातियों की पंचायत भी अलग अलग थी, तो उन अलग अलग मतलब जाति पंचायतों के माध्यम से एक ही आंदोलन चलाना मुश्किल था, क्योंकि खालसा के क्षेत्र का खालसा आंदोलन तो एक ही होना चाहिए, तो वो अलग अलग संगठन के नेतृत्व में नहीं चल सकता। इसलिए इतने उनके दोनों सम्मेलन हुए और छोटी मोटी और भी मीटिंगें हुई, बैठकें हुई, दो ये किसान सम्मेलन हुए, तो इन सम्मेलनों में कोई भी औपचारिक संगठन नहीं बनाया गया, ये इसकी कमजोरी थी। तो कमजोरी क्या थी इसकी, कोई भी औपचारिक संगठन नहीं, ये जाति पंचायत तो पहले से ही बनी हुई थी, पुरातन काल से चली आ रही थी ये तो, लेकिन ये सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करती थी, आर्थिक मामलों में इसका मतलब कोई रोल नहीं था पहले, तो कोई औपचारिक संगठन नहीं बनाया गया, औपचारिक संगठन नहीं बनाया गया जो इनके केंद्र में रह सके, जो केंद्रीय हो, उसके थ्रू मतलब सारे खालसा के क्षेत्र आंदोलन करे कि भाई केंद्र में ये संगठन बना लिया एक इन्होंने, और अलग अलग जगह के खालसा क्षेत्र है वो इसके निर्देशन में, इसके नेतृत्व में आंदोलन शुरू करे, तो ऐसा कुछ था नहीं, सिर्फ एक अलग अलग गांवों की कि अलग अलग जाति पंचायतों को भेजा जाएगा सर्कुलर और सभी भू राजस्व देने से मना करे, तो जरूरी थोड़ी ना सभी जातियां सपोर्ट करे और सभी जाति एक जैसा ही चाहे, तो इसलिए अलग अलग जाति पंचायतों का होना और दूसरा कोई औपचारिक संगठन केंद्र में न होना या केंद्रीय औपचारिक संगठन नहीं होना इसकी कमजोरी थी। फिर भी अपन पूरी तरह से इसको विफल नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि इस आंदोलन से एक तो बिजोली आंदोलन को गति मिली, उसका आधार बढ़ा, उसमें संख्या बढ़ी
उसको थोड़ी तेजी मिली। दूसरी, तो पहला तो ये था इसका फायदा कि बिजोलिया को गति मिली। दूसरा वो ये था कि इनको कुछ राहत भी मिली लागबाग और बेगार से। क्यों? क्योंकि जो रियासत थी ना, वो ये चाहती थी कि जो खालसा क्षेत्र के किसान है, वो ठिकाने में जो किसान आंदोलन हो रहे हैं, जैसे बिजोलिया में, बेगू में, ये ठिकाने थे, इनमें जो हो रहे हैं किसान आंदोलन, उनमें कभी भी शामिल ना हो, उनके साथ कभी ना जा पाए, उनसे हमेशा अलग रहें, क्योंकि वो डायरेक्ट रियासत के अंदर थे। तो रियासत तो अपने लोगों का सोचेगी कि हमारे वाले विद्रोह ना करें, बस ठिकाने वाले करेंगे तो हम ठिकानेदार को बोलेंगे या उसको हटा देंगे भाई सीधा, और अपने अंडर में ले लेंगे, फायदा ही है। ब्रिटिश भी यही चाहते थे। तो वो उन किसानों को जो खालसा क्षेत्र के किसान थे, उनको ठिकाने के किसान आंदोलनों से दूर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या दे दी, इनको राहत दे दी थोड़ी सी, और ये राहत मिलने से ये आंदोलन भी शांत पड़ गया धीरे धीरे, और भू राजस्व भी थोड़ा बहुत इनको घटाने का वादा कर दिया। तो ऐसा अभी मैंने एक बोला था कि 1880 में पुराना भूमि बंदोबस्त हुआ था, वो पुराना हो गया था। तो इससे संदर्भ में एक बात भी, एक आंदोलन है जो पहले का है, वो भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि जो 22 जून 1880 ये अलग है इससे, ये तो 1921 का चल रहा है, ये थोड़ा फ्लैशबैक में पीछे जाने पे, ठीक है, इसके परिप्रेक्ष्य में पीछे में अपन देख सकते हैं ये बात भूतकाल में, क्योंकि मातृकुंडिया जगह दोनों में कॉमन थी कि मातृकुंडिया ने पहले भी, मातृकुंडिया के जाटों ने मतलब मिलके आंदोलन किया था किसानों ने वहां के, और बाद में भी किया। तो 22 जून 1880 को भू राजस्व जो बढ़ा हुआ था उसके विरोध में वहां मातृकुंडिया मेले में पहले भी विरोध हो चुका था इस तारीख को, और उसके बाद विंगेट द्वारा ये जो किया गया था भूमि बंदोबस्त, तो वही चला आ रहा था अब तक, और अब वो पुराना हो चुका था, तो उसके लिए मांग हो रही थी कि नया बनाया जाए, उसके लिए अपना लिया जाए भू राजस्व उसके आधार पे। तो इस वक्त जो 1880 थे, इस वक्त तो जो महाराणा थे फतेह सिंह, वो अवयस्क थे, अवयस्क थे जब ये आंदोलन हुआ था। ये भी कहां हुआ था, मातृकुंडिया में। तो अगर ऐसा भी आ जाए कोई इससे संबंधित क्वेश्चन, कोई पूछ ही ले पुराने वाला कि 22 जून 1880 में किस जगह मेवाड़ की किस जगह के किसानों ने भू राजस्व की व्यवस्था के विरुद्ध में जबरदस्त प्रदर्शन किया था, तो मातृकुंडिया जगह के किसानों ने उस नामक मातृकुंडिया नामक स्थान पर किया था यह आंदोलन। तो यहां पे अपना जो खालसा क्षेत्र का जो ये छोटा सा आंदोलन था वो मैंने आपको बता दिया इसके बारे में सारा कुछ। और अब अपन थोड़ा एक दो छोटे से ठिकाने, अगर सोचता हूं अब जब मेवाड़ पूरा ही होने वाला है तो वो भी बना देता हूं, और मेवाड़ से प्रेरित अगला आंदोलन अपन जो पढ़ेंगे तो वो भी मेवाड़ से प्रेरित है, क्योंकि मेवाड़ के बगल में मैंने आपको बताया था इन बिजोलिया के बगल में कौन थे सटे हुए, कोटा बूंदी, ये दोनों रियासतें, ये दो राज्य भी थे, और तीसरा ग्वालियर, तो ये राज्य इनके पास थे, तो थोड़ा बहुत खरबूजे को देख के रंग बदलता है, तो वहां भी प्रभाव तो होना ही था। तो बूंदी का किसान आंदोलन भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा वीडियो जो बाकी मेवाड़ के छोटे मोटे ठिकाने थे उनमें जो कुछ बातें हुई थी, और बिजोलिया की अगर कोई बची खुची बातें हैं तो वो उसके साथ मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो सारी चीजें बता दी, लेकिन उनसे भी बिजोलिया काफी लंबा हो जाता किसान आंदोलन, तो उसमें खूब सारे डाउट उठते हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, कि कई लोग बताते हैं 1914 में प्रथम चरण खत्म होता, कई 15 में, कई 16 में। तो उसका तो ये रीजन है कि 14 में लगभग आंदोलन में मतलब थोड़ा सा समझौता होता है ना जब भी, तो आंदोलन धीमा पड़ जाता है, तो 15-16 में कोई खास गतिविधि नहीं हुई, इसलिए भले 15 मानो भले ही 16, क्योंकि अगला जो आंदोलन में तीव्रता आई वो कब आई थी, तो वो 16 के बाद, तो फिर अगला चरण द्वितीय चरण 16 के बाद लोग मान लेते हैं, कि पहला भले ही 14 तक मानो, भले 15 तक मानो, भले ही 16, क्योंकि 14 तक मानोगे तो 2 साल खाली रहेंगे कि अगला चरण तो 16 के बाद ही शुरू होना है। तो ये कारण है, तो ऐसी चीजें अपन उन अगले छोटे से वीडियो में जब दूसरे ठिकानों की बात करेंगे तो उसके साथ बिजोलिया और बाकी जो मेवाड़ के बेगू वगैरह उनसे संबंधित भी छोटी मोटी बात है तो अपन वहां पे देख लेंगे, अगर कोई छूटी है तो, क्योंकि गलती तो हर इंसान से होती है, तो हो सकता कुछ छूट गया हो तो मैं वापस एनालाइज करूंगा और आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो और पढ़ाना अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सारे वीडियोज को, और
अपने चैनल स्टडीज ड्यूटी अमोडोमियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, पढ़ते रहें स्टडीज ड्यूटी।